दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देते जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला वनडे मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं सुपानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, इस मुकाबले में कप्तान केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, जिसके चलते शिखर धवन और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बन कराए। दोनों ने शुरुआत भारतीय टीम को बेहतरीन दिलाई, जहां शुरुआत में बेहतरीन अर्धशतक लगाया भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और कप्तान गब्बर धवन ने। दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और यहां पर भी वैसा ही हुआ। शुभमन गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया और 116 से भी ज्यादा रनों की दोनों के बीच में साझेदारी हो गई। दोस्तों, इन दोनों के आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम की रनों की गाड़ी को आगे बढ़ाया उनके तूफानी अर्धशतक से। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की बदौलत भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 306 रन लगा दिए थे, जिसमें से 50 रनों की पारी शुभमन गिल ने खेली थी, 70 रनों की पारी धवन ने खेली थी और 80 रनों की पारी अय्यर ने खेली थी। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। दोस्तों, शुरुआत में न्यूजीलैंड के विकेट जल्दी जल्दी चले गए, जैसे कि कॉनवे 24 रन बनाकर आउट हो गए, फिन एलन 22 और डेरिल मिचेल 11, लेकिन उसके बाद आए कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, केन विलियमसन का साथ देने आए टॉम लैथम और यहां से इन दोनों की पार्टनरशिप ने भारतीय टीम के रोंगटे खड़े कर दिए, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की और टॉम लैथम के सामने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। केन विलियमसन ने और टॉम लैथम ने तो शतक लगाकर 145 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम 3 ओवर रहते हुए ये मुकाबला हार गई। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों से भारतीय टीम को पहला वनडे मुकाबला हरा दिया है और 1-0 से सीरीज आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 5 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में सर। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला वनडे मुकाबला और पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने फतह हासिल कर ली भारतीय टीम के खिलाफ। टॉम लैथम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया उनकी 145 रनों की शानदार पारी के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के 307 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब न्यूजीलैंड की तरफ से पार्टनरशिप हुई टॉम लैथम और केन विलियमसन के बीच में। दोस्तों, इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लैथम ने 145 रनों की नाबाद पारी खेली सिर्फ 104 गेंदों में। उनके साथ केन विलियमसन ने 54 रनों की नाबाद पारी खेली, वो भी सिर्फ 58 गेंदों में, जिसके चलते न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शानदार जीत मिली। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में नंबर 4 के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इससे पहले एक और पार्टनरशिप हुई थी जो 2006 में आई थी। दोस्तों, ये महारिकॉर्ड बन गया है आज न्यूजीलैंड के इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार अपना सक्सेसफुल रन चेस पूरा कर चुकी है भारतीय टीम के खिलाफ। दोस्तों, हर्षदीप सिंह के हाथों में इस बार एक भी विकेट नहीं आई। वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में एक भी विकेट नहीं आई। युजवेंद्र चहल के हाथ में भी एक भी विकेट नहीं आई। सिर्फ उमरान मलिक के इकलौते ऐसे गेंदबाज से जिन्होंने 2 विकेट निकाले और शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट निकाली। इसके सिवाय कोई भी गेंदबाज विकेट ही नहीं ले पाया। गब्बर धवन की कप्तानी में भी काफी ज्यादा कमियां नजर आई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी टॉम लैथम को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है पहले ओडीआई मुकाबले में भारत के खिलाफ। दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 306 रन लगाए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के 80 पे 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद आए टॉम लैथम और केन विलियमसन और इन दोनों की साझेदारी ने इतना महारिकॉर्ड बना दिया है जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस बार न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की इस ओडीआई मुकाबले में। दोस्तों, केन विलियमसन तो मैदान पर सिर्फ मुकाबले की जीत को रुक रहे थे, लेकिन उनका बेहतरीन साथ देने आए थे टॉम लैथम और इन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरा मुकाबला हरा कर रख दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत के खिलाफ इन दोनों की पार्टनरशिप ने आतंक मचा कर रख दिया। दोस्तों, टॉम लैथम ने इस मुकाबले में शतक लगाया, वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन। दोस्तों, उनके साथ केन विलियमसन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोस्तों, इस मुकाबले में केन विलियमसन ने 54 रनों की नाबाद पारी के लिए सिर्फ 58 गेंदों में। दोस्तों, केन विलियम के सामने आकर टॉम लैथम ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस मुकाबले में टॉम लैथम ने 145 रनों की नाबाद पारी के लिए सिर्फ 104 गेंदों में 5 छक्के और 19 चौके लगाकर, जिसके चलते 7 विकेटों से भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड ही मुकाबला जीत गई, वो भी 3 ओवर बाकी रखकर। जी हां दोस्तों, 7 विकेटों से जीत मिली न्यूजीलैंड को, वो भी 18 गेंदे रहते हुए। भारतीय टीम जैसी बड़ी टीम के सामने इतनी भारी मात्रा से न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा है। दोस्तों, आप न्यूजीलैंड की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इमरान मलिक को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए बताते हैं कैसे न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे मुकाबले में उतरी भारतीय टीम के 306 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। दोस्तों, 307 रन लगाने थे न्यूजीलैंड को 50 ओवर में। दोस्तों, ऐसे में डिवियन कॉनवे और फिन एलन न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज बनकर आए और इतने पहाड़ जैसे रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे, लेकिन इस बार फिन एलन को बड़ा झटका दिया शार्दुल ठाकुर ने। बल्ले का एज लेकर गेंद गिरी सीधा विकेट कीपर के हाथों में, जाकर ऋषभ पंत ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते पहले सलामी बल्लेबाज फिन एलन 22 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों, के बाद आए विलियमसन और उनका साथ दे रहे थे डेवियन कॉनवे, लेकिन तभी कॉनवे भी उमरान मलिक की इस बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ले का एज दे बैठे और पीछे खड़े थे हमारे ऋषभ पंत, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। डेवियन कॉनवे मात्र 24 रन बनाकर इस मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, के बाद आए डेरिल मिचेल। दोस्तों, इनसे
बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया इस मुकाबले में। 200 इस तरीके से इमरान मलिक की गेंद पर टॉप एज पर गेंद को पीछे फील्डर के हाथों में मार बैठे सब्सिडियरी फील्डर दीपक हुड्डा के हाथों में, जिसके चलते इमरान मलिक को दूसरी विकेट मिली। डैरिल मिचेल 11 रन बनाकर इस मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के शेर बल्लेबाज टॉम लैथम बल्लेबाजी करने आए और इन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की मानो भारतीय टीम के रोंगटे खड़े हो गए इन बल्लेबाजी को देखकर। दोस्तों टॉम लैथम हद से ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने अर्धशतक भी पूरा किया। इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, इन्होंने भी देखते ही देखते अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। मानो देखते ही देखते भारतीय टीम के हाथों से मुकाबला छटक गया पूरा, जहां एक तरफ से लैथम दूसरी तरफ से केन विलियमसन, दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचाकर रख दिया। कोई भी गेंदबाज को पिच पर टिकने नहीं दिया। दोस्तों अभी तो लैथम सेट ही हुए थे, तभी लैथम ने और भी जोरदार बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 रन पर पहुंच गए और एक ही ओवर में शार्दुल ठाकुर के 25 रन निकालकर चार चौके लगाकर टॉम लैथम ने अपना शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, टॉम लैथम ने भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया पहले ही वनडे मुकाबले में, जिसके चलते न्यूजीलैंड की तरफ ये पूरी तरीके से मुकाबला बदल गया। दोस्तों न्यूजीलैंड को सिर्फ अंत में 40 गेंदों पर 40 रनों की दरकार थी। टॉम लैथम शतक लगा चुके थे और उनके साथ विलियमसन भी शतक की घड़ी पर थे, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम की जीत इस मुकाबले में पक्की हो गई थी। भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम के गेंदबाज निराश नजर आए इनकी बल्लेबाजी को देख। अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसी पारी खेली जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों दरअसल ये बात है भारतीय टीम की पहली इनिंग की, जहां श्रेयस अय्यर सेट हो चुके थे अर्धशतक लगाकर और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे वॉशिंगटन सुंदर और अंतिम ओवरों का खेल बचा था आखिरी 7 ओवर का। वैसे वक्त पर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों जो काम दिनेश कार्तिक नहीं कर पाए, जो काम ऋषभ पंत नहीं कर पाए, वो काम फिनिशर का वॉशिंगटन सुंदर ने कर दिया। आधे ही वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी इनिंग की शुरुआत तो पहले इस करारे चौके से की। दोस्तों उसके बाद मैट हेनरी के एक ही ओवर में एक और अगला चौका लगाया। 202 गेंदों पर दो चौके लगाकर भी वॉशिंगटन सुंदर का दिल नहीं भरा था। 200 आखिरी गेंद पर भी वॉशिंगटन सुंदर ने इस गेंद को डिस्पैच कर दिया सीधा हवा में खेल का छक्के की ओर। 200 अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते 37 रन ठोक दिए ओडीआई मुकाबले में। 3 छक्के और 3 चौके लगाकर वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों ऐसे फिनिशिंग तो भारतीय टीम को टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी नहीं मिली कोई भी खिलाड़ी से। वॉशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन फिनिशिंग दिलाई, जिसके चलते भारतीय टीम ने 306 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाए। दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में आया श्रेयस अय्यर का तूफान। दोस्तों आइए आपको बताते हैं भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी पहले भारतीय टीम। भारतीय टीम में आज डेब्यूट कर रहे हैं इमरान मलिक, जो कि एक तेज गेंदबाज है। आइए भारतीय टीम की शुरुआत की बात कर लेते हैं। गब्बर धवन और उनके साथ शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए भारतीय टीम की तरफ से, और आते ही गब्बर धवन ने पहले ही ओवर में चौके से शानदार शुरुआत दिलाई। देखते ही देखते शिखर धवन ने तूफानी बल्लेबाजी की और बेहतरीन तरीके से शिखर धवन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। एक बेहतरीन पारी खेली इस मुकाबले में शिखर धवन ने। दोस्तों भारतीय टीम को जैसी शुरुआत की दरकार थी, वैसे शुरुआत शिखर धवन के अर्धशतक ने भारतीय टीम को दिला दी थी। इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे शुभमन गिल, तभी अर्धशतक लगाकर शिखर धवन सऊदी गेंद पर बल्ले का एज एवेड इस तरीके से और सामने खड़े फील्डर ने इस तरीके से कैच पकड़ ली। धवन 72 रन बनाकर 77 गेंदों का सामना करते हुए इस मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल। दोस्तों ये भी तूफानी बल्लेबाजी कर अर्धशतक तक पहुंच चुके थे, क्योंकि शुरुआत में ये भी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे शिखर धवन के साथ। दोस्तों इसी शॉट